वहां से निराश होके आया, महल में बैठा था। इतने में एक औरत हाँफते कांपते आई और उसके गोद में साल भर की बच्ची थी। बेटी राजकुमारी सांवरी, ये बात बताने में मेरा कलेजा फटता है। बेटी आई और उस बच्ची को मेरे गोद में दे दिया। हमने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो? इसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मेरा नाम जाना। भगवान को प्यारी हो गया। बेटी राजकुमारी सांवरी, तू मेरी सगी बेटी नहीं। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ पिताजी, फिर मैं किसकी बेटी हूँ पिताजी? बेटी राजकुमारी सांवरी, तू उसी जानकी की बेटी। लेकिन इसके लिए घबराओ मत, जैसे पाल पोष कर पढ़ा लिखा कर सियानी किया, बेटी तुम्हारी शादी अच्छे से अच्छे खानदान में करूंगा और बेटी राजकुमारी सावरी किसी ना किसी दिन इस तख्त और ताज की तुम मालकिन बनोगी। बेटी राजकुमारी सावरी, कॉलेज से आई हो, जाओ खाना खाओ, आराम करो। देखना अब मैं चला हूँ। अच्छी बात है। तमामी तमामी महफिल हाजरात, मेरे मोहतरम दोस्त, हम उम्र साथी, कुछ कहने और सुनने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में अपने तरफ से अस्सलाम वालेकुम अदा करता हूँ। मेहमान खुसूसी, इससे पहले कि आप हाजरात के सामने अपना नाम और मुकाम पेश कर देना ही मुनासिब समझता हूँ, तो लीजिए साथियों, इस गरीब नाचिज मोहताज का नाम और मुकाम पेश है जाहिर कीजिए। साथियों, मैं मौजा खैरागढ़ का रहने वाला हूँ। कौम का मुसलमान पठान, मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मेरा नाम सलीम खान है, मेरी बीबी का नाम सामिया बेगम और मेरे भाई का नाम श्याम कुमार है। अब आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे, इनका नाम सलीम खान है, बीबी का नाम सामिया बेगम, तो भाई का नाम श्याम कुमार क्यों है? बहुत पुरानी कहानी और बहुत दर्दनाक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, थोड़ी ही देर बाद में आप लोग खुद समझ जाएंगे। क्या बताऊं साथियों, मैं घर का बहुत गरीब इंसान हूं। यहां तक कि ईंटा गारा मेहनत मजदूरी का काम करने के बाद भी शाम को पेट भर रोटी नसीब नहीं होती है। आज 3 साल की कहानी हो गई, मेरे अब्बू जान और अम्मी जान का इंतकाल हो गया, तब से घर का बोझ मेरे सर के ऊपर आया। मैं शेर घूम चंद का कर्जदार हूँ। कहा गया है कि जिसके ऊपर कर्ज रहता है उसके कलेजे में दर्द भी आता है। ये रही मेरे घर की कहानी और मेरे जीवन की कहानी। इसी के साथ साथ आप लोगों की खिदमत में अपने तरफ से एक नगमा पेश कर रहा हूँ, बगौर समाज फरमाए शायद ये नगमा आपको।
आती है हार्दिक स्वागत है।
मकान के साथ साथ अपना मालिक भी अपने से नाखुश है। हम लोग कब तक कैसे रहेंगे? ये चौतीस का दिन अपने ऊपर ऐसे कब तक रहेगा सामने? करने जाऊंगा, न घर में सिवाई है न चीनी है।